Welcome back to my channel. And if you are new in my channel, then hi, this is Devanjana and I make videos on makeup, skincare and haul video, guys. So nowadays I'm also doing vlog videos. अगर आपने मेरे चैनल पर मेरे vlog videos नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, काफ़ी interesting वाला vlog videos है. Very real and it's like a very raw kind of video. जो मैं video vlog video बनाती हूँ बहुत ही real and raw होता है वो. उसमें कोई भी काट छाट एडिट ऐसा कुछ नहीं होता है. सो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है उस video में. तो guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो देन वेलकम टू माय वर्ल्ड यू गाइस. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस. एंड गाइस हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो गाइस. सो या लॉट्स ऑफ ब्लेबरिंग डन, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. सो मैंने अपने बालों को टाई कर लिया बिकॉज टू डैम हॉट हियर. एंड ऊपर से मेरे बाल इतने चिपकू लग रहे हैं, आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो. मेरे बाल इतने ज़्यादा ऑयली होकर रखे मुझे पता ही नहीं चला, लाइक वरना मैं शैम्पू कर ली थी. मैंने शैम्पू तो किया था, बस दो या फिर तीन दिन ही हुआ है. आई डोंट नो नाउ इट इज़ इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा है, मेरा बाल इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है मेरे स्कैल्प में. एंड ऊपर से मैं जिम जाती हूँ तो वहाँ इतना ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है. तो बहुत ही जल्दी आफ्टर शैम्पूइंग माय हेयर बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाता है मेरे स्कैल्प पे. मेरे हेयर बहुत ही तेल तेल छिपकू से, आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि मैंने तेल लगाया अपने बालों में, बट ट्रस्ट मी गाइज मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाया, लिटरली नथिंग मैंने कुछ नहीं लगाया. ये मैंने नॉर्मल नेचुरल हेयर है, बस सीरम लगाया था शैम्पू करने के बाद, दैट्स ऑल. इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा है आजकल, समर में वैसे भी जल्दी ऑयली हो जाती है स्किन, सॉरी बाल, स्किन, एवरीथिंग. एनीवेज दिस इज नॉट द टॉपिक. आज तो मैं ये वीडियो करने वाली हूँ, हॉल वीडियो, जो कि यू नो नायका पिंक सेल हुआ था कुछ देर पहले ही. तो वो वीडियो में काफ़ी मैं लेट बना रही हूँ कि मैंने वो पिंक सेल में मैंने क्या क्या मंगवाया, क्या क्या मैंने परचेज किया है. तो काफ़ी लेट हो गया है वीडियो बिकॉज आई वॉज सो बिजी विथ माई सेल्फ, कह सकते हो. मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी होती थी, आपको जल्दी पता चलेगा वो सारा काम क्या था मेरा. तो मैं उसी काम में कुछ बिजी हो गई थी तो इसलिए मैं वो कर नहीं पाई हॉल वीडियो. मेरे सामान सब कुछ बहुत पहले ही आ गया था, पर यू नो लैक ऑफ टाइम, तो मैं वो करके फिनिश नहीं कर पाई वो वीडियो. तो आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे जो पिंक नायका पिंक सेल में मैंने क्या क्या परचेज किया. लॉट्स ऑफ थिंग आई बॉट दिस टाइम, बट इसमें कोई लग्जरी ऐसा आपको नहीं दिखेगा. सब ज़्यादातर यू नो ज़्यादातर नहीं, सब कुछ ही अफोर्डेबल एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाला है. बिकॉज दिस टाइम आई डिडंट फील कि मुझे कुछ लग्जरी लेना है, लेना चाहिए, बिकॉज उतना ज़्यादा अभी मुझे ज़रूरत नहीं है लग्जरी प्रोडक्ट्स के. एंड मेरे पास जो है अभी भी वही मैं यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ. तो गाइस मेरे पास काफ़ी सारे चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए. इसमें भर भर के प्रोडक्ट्स हैं, ओ माय गॉड, इसमें भर भर के प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ टू यूज़. एंड मेरे स्किन पर वो काफ़ी सारे पिंपल्स भी दिख रहे होंगे, मार्क्स एंड स्कार्स, बिकॉज मेरे अभी पीरियड चल रहा है एंड इस टाइम मेरे यू नो पिंपल्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. काफ़ी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती होगी, तो मुझे भी अभी हो रहा है वो. एनीवेज आई हैव टू बियर विद दिस. सो या आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू व्हाट आई बॉट. तो एक एक करके मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, सुपर एक्साइटेड. आई कांट एक्सप्लेन कितनी खुश हो रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना शो यू, कहाँ से शुरू करूँ. एनीवेज मैं फर्स्ट शैम्पू से शुरू करती हूँ, ठीक है, बिकॉज समर सीजन में बाल ज़्यादा धो रहे हैं आजकल, हम लोग ज़्यादा शैम्पू कर रहे हैं समर पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शैम्पू से शुरू करती हूँ. एंड आई बॉट टोटल 5 शैम्पू
from Nykaa brand. So first of all, this is the Nykaa Naturals Rita and Shika का shampoo है ये. तो ये आपको 100 ml products मिल रहा है and it cost me ₹399. So ये shampoo actually मैंने अभी तक Nykaa की कोई shampoo मैंने use नहीं किया. I never ever tried out. So मुझे लगा चलो अभी तो समर है, ज़्यादा शैम्पू भी चाहिए हम लोगों का एंड मेरे शैम्पू काफ़ी सारे ख़त्म होने को आ रहे हैं एंड स्पेशली फॉर माय मॉम. मेरे मॉम की भी शैम्पूस पूरे ख़त्म हो गए. एक्चुअली माय मॉम वाज यूजिंग यू नो डर्माटोलॉजिकली मेड शैम्पू दैट इज स्किन क्राफ्ट. आप लोगों को सुना ही होगा वो ब्रांड जो डॉक्टर्स लोग मिलके यू नो आपके शैम्पू जो है कस्टमाइज करके प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, स्कल्प टाइप, हेयर टाइप एंड एवरीथिंग लाइक आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट. सो वो वाला शैम्पू मेरी मम्मी यूज़ करती थी, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा यू नो डैंड्रफ के प्रॉब्लम्स है तो वो यूज़ कर रही थी तो इसलिए मैंने मुझे लगा कि चलो वो बहुत दिन से मम्मी वो यूज़ सो इसलिए मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए भी ले लेते हैं साथ में मेरे लिए भी ले लेंगे. तो मैंने 5 टोटल शैम्पू मंगवाया है नायका से. तो ये फर्स्ट ओके यू आर नॉट गेटिंग 100 ml, यू आर गेटिंग 200 ml. यस सो इस पर आपको 200 ml मिल रहा है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड एंड दिस नेक्स्ट वन इज दिस नायका नेचुरल्स अमला एंड करी लीव शैम्पू है. अगेन 200 ml इस पर आपको मिल रहा है एंड इट कॉस्ट मी ₹399. सो आप कह सकते हो नायका के सारे वेरिएंट शैम्पू के मैं ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दिया है. सारे वेरिएंट्स मैंने ऑर्डर किया है, टोटल 5. पता नहीं इससे ज़्यादा और वेरिएंट है भी नहीं, मुझे 5 वेरिएंट दिखा तो मैंने 5 वेरिएंट ऑर्डर कर दिया है. देन द नेक्स्ट वन इज नायका नेचुरल्स ऑनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू. अगेन ₹399 है. मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, सेम ही है सारे शैम्पूस. एंड नायका नेचुरल्स एप्पल साइडर विनीगर एंड जिंजर शैम्पू. अगेन 200 ml मिल रहा है ₹399 में आपको. देन द लास्ट वन इज दिस इज नायका नेचुरल्स फर्मेंटेड राइस वाटर एंड बैम्बू शैम्पू. सो ₹399 अगेन इसका प्राइस है. तो मुझे ना काफ़ी सारे अच्छी तारीफें सुनी है मैंने इस नायका शैम्पू की, तो मैंने सोच चलो एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं क्या फंडा है इसका. तो इसलिए मैंने 5 वेरिएंट मैंने ऑर्डर कर दिया है एंड आई विल यूज दिस. लेट्स सी कैसा यू नो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें. सो या देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज द निविया बॉडी लोशन एलो प्रोटेक्शन 48 आवर्स प्रोटेक्टिव मॉइस्चर केयर है ये. एंड इस पर आपको मिल रहा है SPF 15. सो इट सेज इट विल गिव यू 48 आवर्स डीप मॉइस्चर सन प्रोटेक्शन स्मूथ स्किन लाइन नॉन ग्रीजी स्किन फीलिंग हेल्दी लुकिंग स्किन. सो लेट्स सी एंड इट कॉस्ट मी ₹550 फॉर 400 ml. सो या एंड मुझे तो ऑफर में मिला था, मुझे एग्जैक्टली ऑफर का प्राइस याद नहीं है कितने में मिला था मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे कम ही मिला होगा. सो मुझे ये ज़रूरत था, मुझे चाहिए था ये बिकॉज इट्स इट्स 5-in-1 केयर कंप्लीट केयर बॉडी लोशन है ये एंड इट हैज़ दैट सीरम एंड ऑब्वियसली SPF 15 है. तो मैं बाहर निकलते टाइम भी मैं अपने हाथों में इसे यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज मैं बाहर निकलते हुए हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. पीपल नो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करूँगी तो माई स्किन विल बर्न लाइक एनीथिंग, बहुत बुरी तरह से बर्न हो जाते हैं. तो ये अगेन अ ग्रेट परचेज. सो या देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज रियो हर्ब्स क्यूवी शावर जेल प्लस खुराक. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा यू नो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बिकॉज इस ये आपका शावर जेल कम स्क्रब है बिकॉज इस पर आपको स्कर्फ पर्टिकल दिख रहा होगा अगर मैं आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ठीक है स्कर्फ पर्टिकल इस पर आपको दिख रहा होगा. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी दिनों से ये मेरे विशलिस्ट पे पड़ा हुआ था. सो आई वाज थिंकिंग चलो ट्राई आउट कर लेते हैं and the price was very cheap like ₹499 का price है for 300 ml. so ये आपको 2-in-1 काम करेगा, आपको यू नो शावर जब जैसे काम भी करेगा एंड स्क्रबिंग करेगा एट अ टाइम. सो ग्रेट वन अगेन एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज द नायका लव स्टॉक स्टोलन ग्लैंस शावर जेल. सो गाइज आप लोगों को पता होगा मेरे कौन सा था, हाँ पिंक बॉक्स आई गेस पिंक बॉक्स
सेल होगा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ देर कुछ महीने पहले वो आया था वो सेल, तो उस सेल पे मुझे ये वाला बर्थडे में बर्थडे मंथ पे जो मैंने सेल मुझे मिला था वो वाला, ये वाला शावर जेल मुझे यू नो एज अ बर्थडे गिफ्ट मिला था फ्रॉम नायका। तो तब से मुझे इतना अच्छा लगा लगा ये वाला शावर जेल, मैं आपको क्या ही बताऊंगा, इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी गुड यू गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने इसका एक और वेरिएंट मैंने परचेस कर लिया है, तो वो मुझे अलग वेरिएंट था, कुछ येलो कलर का था वो ट्यूब, यानी उसका नाम मुझे वो मिला था गिफ्ट, तो मुझे इतना अच्छा लगा वो यूज़ करके क्या ही बताऊँ मैं। और ये मैंने स्टोलन ग्लास वाला वेरियंट मैंने परचेज किया एंड इट कॉस्ट मी ₹399 फॉर 200 ml, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दिन आपका यू नो जाने वाला है, एंड अगेन ट्रैवल फ्रेंडली, सो आप कहीं भी ट्रैवल करो आराम से कैरी कर सकते हो। सो एक बड़ा एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है कि आप क्या ही लेके जाओ ट्रैवल टाइम, है ना, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके। देन आई गॉट 3 हैंड वॉशर्स, मुझे काफ़ी दिनों से वो ट्राई आउट करना था, मेरी विश लिस्ट पे पड़ा हुआ था, फाइनली आई थॉट चलो इसे ट्राई आउट कर लेते। तो ये कुछ इस तरीके की है, दिस इज डॉक्टर बत्रास हैंड वॉश। सो मैंने ये 3 टोटल परचेज किया है बिकॉज आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस, काफ़ी अच्छा हैंड वॉश है एंड ये काफ़ी बाहर से नो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्पेलेज हो गया होगा शायद, तो बाहर से बस स्टिकी स्टिकी फील हो रहा है, मैंने उंगली पे मुझे हाथ अभी धोना पड़ेगा। तो एनीवेज ये हैंड वॉश है, दिस इज एम्ब्रेस्ड विद एलोवेरा एंड 300 ml, काफ़ी बड़ा बॉटल है, 300 ml आपको मिल रहा है। सो द प्राइस इज लाइक ₹135, ओ माई गॉड इट्स वेरी चीप फॉर 300 ml, राइट, 135 rupees में आपको इतना बड़ा वो भी पंप पैकेजिंग में मिल रहा है, सो काफ़ी अच्छा यू नो नाइस डील है ये आप कह सकते हो। सो अगेन दिस इज एलोवेरा सूदस एंड मॉइस्चराइज योर स्किन एंड इट सेज दैट ये आपके हैंड को स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है आफ्टर वॉशिंग योर हैंड, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल। ओके, तो मुझे ऐसे वाले हैंड वॉशेस ही हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ जो मेरे हाथ को स्मूथ रखे, सॉफ्ट रखे आफ्टर वॉशिंग, वरना ऐसे ऐसे हैंड वॉशेस भी होते हैं जो हाथ धोने के बाद बहुत रफ फील होता है, बहुत हैंड बहुत पता नहीं अजीब ही फील होता है, ड्राई सॉफ्ट फ्लीकी सा फील होता है, सो मुझे वैसे वाला हैंड वॉश बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए मैंने ये परचेस किया है, माय ओन पर्सनल यूज़, तो मैं हमेशा खुद के लिए यही वाला प्रेफर करती हूँ, तो मेरे घर के लिए टोटल 3 मंगवा लिया है। सो या अपना हाथ धो के आइए बिकॉज वो थोड़ा सा चिपचिपा फील हो रहा था। देन द नेक्स्ट वन इज वेरी यू कैन से काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रहा है आजकल, इंस्टाग्राम टिकटॉक यूट्यूब में छाया हुआ है ये वाला प्रोडक्ट। सो दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम वैसलिन, सो दिस इज अ वैसलिन हेल्दी ब्राइट सन प्रोटेक्ट एंड कामिंग सीरम इन लोशन है एंड इस पर आपका SPF 30 है, ऊपर से ये आपका PA++ है, ओ माई गॉड यस, इट्स अगेन नॉन स्टिक एंड मैट नीम एक्सट्रैक्ट है, इसमें 180 ml प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसका, स्टेडी पैकेजिंग है, यू नो ऐसे वाले पंप में आपका आता है एंड इट कॉस्ट ₹549, सो या अगेन ऑफर में काफ़ी सस्ते में मिला होगा, मुझे याद नहीं है अभी। तो अगेन दिस इज़ द नॉन स्टिकी क्विक अब्जॉर्बिंग मैट फिनिश, काफ़ी अच्छा वाला है ये, बॉडी लोशन है आपका, सो SPF 30 वाला है, तो इसी टाइम आपका परफेक्ट टाइम है इसे यूज़ करने का, इतना ज़्यादा सन होता है बाहर, इतना ज़्यादा धूप होता है, पूछो ही मत, लाइक टैन से बचने के लिए बॉडी लोशन विद SPF इज मस्ट फॉर यू ऑल गाइस, नेवर एवर स्किप दैट। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस वैसलीन ग्लूटाहाया फ्लॉलेस ग्लो सीरम इन लोशन है, ये ग्लूटा ग्लो हाइलुरॉन प्रो रेटिनॉल कितना कुछ लिखा हुआ है, एनी वेज नॉन स्टिकी फॉर्मूला है एंड 10x मोर पावरफुल देन विटामिन सी। ओके, इट क्लेम्स लॉट्स ऑफ थिंग, लेट्स सी, लेट्स यूज दिस एंड आई विल टेल यू। 200 ml ये प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइस इज 300, तो या काफ़ी हाइप्ड हो रहा है ये दो प्रोडक्ट आजकल, काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा चल पॉजिटिव रिव्यू मुझे सुनने को मिल रहा है, सो मुझे लगा चलो यार कर ही लेते हैं यूज़, क्या है इस पर इतना हाइप वाला फंडा, चलो देख लेते हैं। सो आई ऑर्डर्ड इट
Then I bought two of this you know deodorant from Nykaa. कभी मैंने Nykaa का कोई deodorant use नहीं किया है. Yes, never ever I used. So this is the Nykaa Wonderlust Mediterranean Sea Salt. Oh my god. Anyways, ये 48 hours आपका active रखता है, आपकी you know fresh रखता है skin. तो इसका price क्या था? 279 rupees इसका price है and you are getting 150 ml. So इसका the smell is damn good, you guys. Oh god, बहुत ही अच्छा smell है इसका. मुझे लग रहा है ना कि मैंने इससे पहले ना ऐसे वाली स्मेल का मैंने कुछ यूज़ तो किया है. हाँ, पक्का वाला मैंने कुछ यूज़ किया है, बट व्हाट वाज दैट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. पता नहीं, कुछ तो मैंने यूज़ किया है बट ऐसे वाली स्मेल की. एनी वेज, कब यूज़ नहीं किया Nykaa का, तो आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई आउट कर लिए. सो देन Nykaa Wonderlust Sicilian Sweet Pea 48 hours active deodorant 150 ml, and again it cost me ₹279. So मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स सब ऑफर में ही लेना, बिकॉज ऑफर में काफ़ी सारे डिस्काउंट में आपको मिलने वाले हैं. सो बिना ऑफर्स के लेने का कोई फायदा नहीं है, पूरा पे ही क्यों ही करना है, राइट? अगर सेल में इतने अच्छे डील में आपको मिल रहा है तो पूरा पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इसलिए मैं हमेशा सेल पे ही लेना पसंद करती हूँ. तो या अगेन लेट्स सी. ओके, द स्मेल इज काइंड ऑफ रोज काइंड ऑफ स्मेल, काफ़ी अच्छा स्मेल है, वेरी फ्लावरी स्प्लैशी काइंड ऑफ स्मेल है इसका. ओह गॉड, काफ़ी अच्छा स्मेल है ये स्मेल मेरे लिए नया है, बहुत ही नया है स्मेल. सो या देन द नेक्स्ट वन इज दिस, दिस इज द Nykaa Wonderlust Himalayan Hemp अ बॉडी स्क्रब. ये बॉडी स्क्रब मैंने परचेज किया है, 140 ग्राम प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है. एट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट 350 rupees. तो एक्चुअली ना बॉडी स्क्रब आजकल बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ गर्मी में, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मेरे स्किन है ना डल दिखने लगता है आफ्टर टैनिंग एंड ऑल. बाहर निकलती हूँ तो ऑब्वियसली टैनिंग तो होना ही है, तो इसलिए मैं आजकल बॉडी स्क्रब बहुत यूज़ करती हूँ. एंड मैंने सोचा चलो एक हैंडी वाला ले लेते हैं, अगर बाहर बाहर जाना होगा तो शायद जाना हो सकता है मेरे कुछ दिन में, तो मैंने सोचा चलो एक हैंडी वाला ले लेते हैं, तो वहाँ जाने के बाद मैं भी यूज़ कर सकूँ इसको. तो या स्क्रब अगेन इन अ ट्यूब इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो. अगेन इट्स अ नाइस वन. देन द नेक्स्ट वन इज दिस, दिस इज द सिरोना पैराबिन फ्री सिलिकॉन फ्री वाइटामिन सी फेस वॉश. सो मुझे वाइटामिन सी फेस वॉश आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं इसलिए सोचा चलो इसका इस ब्रांड का सिरोना का तो काफ़ी कुछ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, तो मुझे लगा चलो इस ब्रांड का एक फेस वॉश यूज़ करके देख लेते हैं कैसा है. तो वाइटामिन सी है, चारकोल है, लिकोराइस रूट है, टस्मेनियन पेपर फ्रूट है. अगेन इट सूदेस योर स्किन, रिमूव्स इम्प्योरिटी एंड प्रोवाइड्स रेडियंस. सो लेट्स सी, 299 इसका प्राइस है एंड द क्वांटिटी इज 125 ml. काफ़ी अच्छा है, डिसेंट सा अमाउंट है एंड द प्राइस इज ऑल्सो अफोर्डेबल. सो लेट्स सी कैसा वर्क करता है ये वाइटामिन सी वाला. देन व्हाट आई गॉट इज दिस गार्नियर स्किन नेचुरल्स न्यू ब्राइट कंप्लीट वाइटामिन सी सीरम जेल इंस्टेंट ब्राइटर स्किन. ओके, वाइटामिन सी एंड लेमन है इसमें. तो क्या है ना ये वाला ना, मैंने इससे पहले भी मैंने परचेस किया था इसको, ठीक है, काफ़ी महीना हो गया है जो मैंने परचेस किया था, पर मुझे वो मिल नहीं रहा है कहीं पर, पता नहीं कहाँ वो गुम हो गया, कहाँ खो गया पता नहीं, पर मुझे मिल ही नहीं रहा. ये जेल फॉर्म में है, मैंने इसे परचेस किया था फॉर श्योर, मुझे याद है, एंड मेरे ऑर्डर्स पे भी मैंने देखा है इसको, मैंने परचेस किया था पर मुझे मिल ही नहीं रहा घर पे, क्योंकि जेल आजकल मैं जेल ही यूज़ करती हूँ, जेल मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ थिंग. इतनी गर्मी में कौन ही क्रीम यूज़ करेगा. तो ये प्लास्टिक इतना पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है. लुक एट दिस, वेरी जेल काइंड ऑफ, एकदम क्लियर जेल है ये, यू नो वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. एंड इट स्मेल्स लाइक अ लेमन ऑरेंज काइंड ऑफ अ स्मेल, ऑब्वियसली वाइटामिन सी है तो होगा ही इसमें. एंड इट कॉस्ट मी ₹189 ओनली, 45 ग्राम प्रोडक्ट इसमें है, काफ़ी दिन जाएगा यार, पर आई विश वो मुझे मिल जाता, मुझे तो वो मिल ही नहीं रहा, पूरे घर मैंने ढूंढ लिया उसको मिल ही नहीं रहा है. सो या आई ट्राई दिस आउट सून.
एंड देन दिस इज द जॉय रिवाइवी क्या है एनीवेज मिनरल क्ले पोर क्लैरिफाइंग एंड पॉल्यूशन डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क है ये. तो ये 9-in-1 बेनिफिट्स वाला क्ले मास्क है. इट क्लेम्स लाइक दैट. तो क्या है ना इसकी प्राइस कुछ 349 रुपीज से काफ़ी अफोर्डेबल है फॉर 250 ग्राम प्रोडक्ट. तो 250 ग्राम इज ह्यूज राइट. सो ये कुछ इस तरीके का आपके प्लास्टिक पैकेजिंग पे आपको आ रहा है एंड दिस इज द पैकेजिंग. ओके सो ये कुछ इस तरीके की है. ग्रीन कलर का है बिकॉज अगेन इस पे यू नो ओके मुझे तो कुछ टी ट्री वाला स्मेल इसमें से आ रहा है. इसमें है क्या टी ट्री आई डोंट नो. एनीवेज इट डिटॉक्सिफाइज फाइट्स एक्नी एंड स्मूदनेस. मुझे एक्नी भी हो रही है तो मैंने सोचा इसको ट्राई आउट कर लेते हैं. यस इसमें ग्रीन टी है. या आई एम राइट इसमें ग्रीन टी है. इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है एंड होहोबा सीड ऑयल एंड लेमन ग्रास ऑयल है. सो दैट्स व्हाई इट्स स्मेलिंग लाइक दैट. लेट्स सी जॉय का प्रोडक्ट्स तो अच्छा ही होता है यूजुअली बिकॉज मैंने जॉय का बॉडी लोशन यूज़ किया है जो एलोवेरा वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कामिंग सूदिंग है गाइस. ओ माय गॉड आप समर में उसे यूज़ करो ना और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. नॉन स्टिकी वेरी लाइट वेट वेरी हल्का सा फील होता है. अपने कुछ लगाए सा फील ही नहीं होगा बट ऊपर से आपकी स्किन भी बहुत मॉइस्चराइज रखता है. या देन व्हाट आई बॉट इज दिस दिस इज द नाइका स्किन और स्पॉट करेक्ट 5% नाइसिनामाइड जिंक अल्फा और ब्यूटिन रिड्यूसेस इवन स्किन टोन. ये डे मॉइस्चराइजर है. इस पे आपका इस पे 15 मिल रहा है एंड इट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. या इट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर मैंने इसे देखा नहीं था कि ये फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है बट आई हैव ऑयली स्किन सो आई थिंक आई एम गोना यूज दिस इन विंटर बिकॉज अभी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसे यूज़ करने का. सो 50 ग्राम प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 399. सो लेट्स सी कैसा है. एक्चुअली मुझे बस स्पॉट का एक दिखा 5% नाइसिनामाइड है तो मैंने फटाक से खरीद लिया एंड देन आई मुझे लगा कि चलो ये अच्छा ही होगा एंड देन जब मैंने देखने की कोशिश की अच्छे से पढ़ने की कोशिश की तो देखा रही है तो क्रीम है भाई. क्रीम कौन यूज़ करता है वो भी इतनी गर्मी है. तो ये कुछ इस तरीके की है. ओके या इट्स अ वेरी थिक क्रीम यू गाइस. ओह माय गॉड इसे तो मैं अभी यूज़ कर ही नहीं सकती. ये मैं विंटर पे पक्का यूज़ करने वाली हूँ. 399 रुपीस. आप देख सकते हो ये हिल भी नहीं रहा है अपने कंटेनर से कितना ज़्यादा ये थिक है. पक्का ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा. लेट्स सी मैं विंटर पे से यूज़ करूँगी. अगर अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊँगी. अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना मैं रिव्यू बनाऊँगी. तो या सो देन द नेक्स्ट वन इज दिस. जब मुझे लगा कि चलो मैंने तो गलती कर लिया मैंने वो क्रीम ऑर्डर कर लिया तब मुझे जाके दिखा कि ये एक ऑयली स्किन वालों के लिए भी है. सो दिस इज अगेन नाइका स्किन और स्पॉट करेक्ट 5% नाइसिनामाइड जिंक हेल्प्स रिड्यूस ब्लेमिशेस एंड रिंकल्स इवन स्किन टोन डे मॉइस्चराइजर. ऑयली स्किन के लिए है ये. 15 SPF वाला है. सो डे में मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ पक्का. तो इट कॉस्ट मी रुपीज 399 फॉर 50 ग्राम प्रोडक्ट. तो इसका टेक्सचर कैसा है एक बार देख लेते हैं. तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैंने फिर से ऑयली स्किन वालों के लिए भी मैंने एक ऑर्डर कर लिया है अभी यूज़ करने के लिए फॉर दिस टाइम ये समर में. ओके या इट्स वेरी लाइट वेटेड. या इट्स वेरी लाइट वेटेड. काफ़ी लाइट वेटेड है. इसका टेक्सचर देख रहे हैं आपको. या इट्स वेरी लाइट वेटेड. ये क्रीम वाला फॉर्मूला ही है बट ये काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइट वेटेड है. सो देख ही लेते हैं. यस वेरी लाइट वेटेड गाइस. ओके ओके इट्स वेरी 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 लाइट वेट. काफी अच्छा रहेगा ये अभी समर पे ऑयली स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है. सो या देन व्हाट आई बॉट इट्स दिस दिस इज नाइका नेचुरल्स लेवेंडर एंड कैमोमाइल कामिंग जेल. इस बार मैंने नाइका के ब्रांड से काफी सारी चीजें ज्यादातर चीजें नाइका के ब्रांड से मैंने परचेस किया है बिकॉज ऑनेस्टली नाइका से मैं सब कुछ परचेस करती हूँ. माई ब्यूटी प्रोडक्ट एंड स्किन केयर एवरीथिंग. बट नाइका के प्रोडक्ट्स मतलब नाइका ब्रांड के प्रोडक्ट्स मेरे पास काफ़ी कम थे. सो दैट्स वाई आई थॉट चलो यार इस बार नाइका को थोड़ा सा प्रोमोट कर लेते हैं. प्रोमोट नहीं एक्चुअली
I was just kidding. Anyways, so this is Nykaa Naturals Lavender and Chamomile Calming Gel है ये. तो 100 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 349 रुपीज में. अगेन कामिंग जेल है, तो जेल अगेन गुड फॉर समर. तो इस पर लेवेंडर है, कैमोमाइल है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये. सो या ओके ओके, ये तो सील्ड है भाई. ओके वाओ, इट हैज दिस यू नो लेवेंडर काइंड ऑफ स्मेल. मुझे स्मेल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. द स्मेल इज समथिंग लाइक आप रूम फ्रेशनर नहीं यूज़ करते हैं, वैसे वाला स्मेल है इसका. स्मेल तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. एनीवेज क्यों ऐसा स्मेल है इसका. देन द नेक्स्ट वन इज मिनिमलिस्ट एल एस्कॉर्बिक एसिड. दिस इज अ लिप ट्रीटमेंट. तो यू नो लिपस्टिक ज़्यादा यूज करते हो ऑब्वियसली, लिप तो थोड़ा पिगमेंटेड होने वाला ही है. तो इससे मैंने एक लिप ट्रीटमेंट, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ देखा है ऐसा, काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं. लेट्स सी ये मेरे पिगमेंटेड डार्क लिप्स को ये ट्रीट करता है कि नहीं. तो इसमें क्या है, इसमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है एंड 8% एल एस्कॉर्बिक एसिड है. आई नेवर एवर यूज समथिंग लाइक दिस एल एस्कॉर्बिक वाला कुछ ऐसा लिप प्रोडक्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड इट्स वेरी यू नो इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. 399 इसका प्राइस है एंड यू आर गेटिंग काइंड ऑफ 12 ग्राम प्रोडक्ट इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है. सो अगेन लिप ट्रीटमेंट बाम है, लेट्स सी कैसा वर्क करता है ये मेरे ऊपर. या सो ये नहीं, स्मेल तो इस पर है नहीं है सच कुछ. वैसे तो मिनिमल इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस पता नहीं इसका क्या होगा. देन आई गॉट अ 3 आई शेडो पैलेट फ्रॉम रिने. यू नो आई ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू गाइस कि मैं आजकल रिने के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगी हुई हूँ. रिने मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे आजकल, सीरियसली आई एम टेलिंग यू. काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड है. तो इससे मैंने चलो चलो रिने के ये आई शेडो पैलेट यूज़ करके देखते हैं, एक बार ट्राई आउट करते हैं. सो दिस इज द रिने फेयरलेस न्यूड आई शेडो पैलेट है, ये न्यूड वाला है. सो इस पर आपको 12 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है एंड इट कॉस्ट ₹499. आपको ऑफर में काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा. एंड लुक एट द पैकेजिंग यू गाइस, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू नो लग्जरी टाइप ऑफ पैकेजिंग है इसकी. रिने की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है. सो मेरे पास जो निका के जो आई शेडो पैलेट है ना, कुछ इस तरीके की है देखने में. वाओ Wow, just look at the shades, you guys. I'm super, super excited to use this palette. क्या आपको दिख रहा है कितना अच्छा वाला, कितना अच्छा वाला shades है इसमें. Glittery shade है, matte shades है इसमें. तो आपको matte मिलने वाला है, total 6 टोटल मैचेस मिलने वाला है एंड ग्लिटर शेड आपको टोटल 3 मिलने वाला है. लेट्स सी दिस ट्राई दिस, आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस. सो या एंड देन द नेक्स्ट वन इज दिस इज द रिने फेयरलेस पिंक आई शेडो पैलेट. मतलब इसमें आपको पिंक शेड्स ही मिलने वाले हैं एंड अगेन 499 प्राइस है इसका 12 ग्राम प्रोडक्ट के लिए. ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द पैकेजिंग. इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट बर्बी ट्रेंड थिंग्स. Oh my god, I can't shut my eyes. I'm really super excited to try this out. Just look at the shades, guys. Just have a look. Oh my god, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. कभी इसके साथ एक आई लुक बनाऊ मैं अब सब लोगों से शेयर करूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस, सुपर एक्साइटेड. आई एम गोना पक्का मैं इसके साथ. मुझे तो इतना अच्छा लगा लगा है ना, सारे वाइब्रेंट शेड है इसमें, काफ़ी अच्छा नो. मैं इसके साथ एक बर्बी लुक क्रिएट कर सकती हूँ ना, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है. आप क्या कहते हो कमेंट में बताना अगर आपको भी देखना है वो बर्बी वाला ट्रेंड, बर्बी वाला लुक. तो मैं ऑब्वियसली मैं बनाऊँगी, मेरे पास एज वेल एक आउटफिट भी है पिंक कलर के. मैं ऑब्वियसली बनाऊँगी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज रिने फेयरलेस मेटलिक आई शेडो पैलेट है ये. अगेन 499 रुपीज़ का प्राइस है फॉर 12 ग्राम प्रोडक्ट. तो
Wow, just look at the packaging. Packaging मेरी की काफी अच्छी है ना, काफी you know luxury Huda जैसी इसके packaging है. Oh my god, just look at this shade, you guys. दिख रहा है आपको कितना अच्छा shade है. Oh my god, such a brilliant shade, brilliant work, Rine. I love you. मतलब इतने अच्छे से इन लोगों ने ये सारे कलर्स को ऐसे वाले कंबाइन किया है. जस्ट लुक एट दिस, ओ माय गॉड यू गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड. इसमें ज्यादातर ग्लिटर शेड है एंड द मैटेलिक वन इज सो डैम गुड. ओ माय गॉड, मुझे मैं जल्दी से आपको एक आई मेकअप एक लुक मैं शेयर करने वाली हूँ. स्टे ट्यून फॉर दैट. सो देन व्हाट आई बॉट इज दिस. ये काफी दिनों से मुझे मन था इसे लेने का, कुछ चीज पे था. तो ये Lakme 95 का एक प्राइमर प्लस मैट कंसीलर है. सो ये प्राइमर Lakme के जो 95 के जो रेंज है ना प्राइमर प्लस मैट, उस रेंज से आता है ये. सो दिस इज अगेन नाइस प्रोडक्ट है ये. इसका शेड काफ़ी आपको वाइट दिख रहा है या बिकॉज आई एम गोना यूज दिस एज अ हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ माय फेस. इससे इसका यू नो शेड थोड़ा सा वाइटिश टाइप ऑफ है. बट ये काफ़ी यू नो ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद ये मेरे स्किन पे एकदम ही यू नो घुल मिल जाएगा. तो मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ. ये शेड काफ़ी अच्छा है मेरे लिए हाईलाइट करने के लिए. इसका शेड है आइवरी 10, ठीक है. एंड द प्राइस ऑफ दिस कंसीलर इज 450 रुपीज फॉर 5.4 ml. सो या एंड देन दिस इज द एसेंस लेस एंड ब्राउ जेल मस्कारा. तो ये ब्राउ के मस्कारा है. अगेन दिस इज अ क्लियर जेल मस्कारा. आप इसे अपने आईलैश पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ ब्राउ सेटिंग जेल के जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो. तो इट कॉस्ट मी रुपीज 290 एंड द प्राइस ऑफ दिस मतलब 290 रुपीज है इसका प्राइस. एंड द क्वान्टिटी यू आर गेटिंग इज पता नहीं. एनीवेज तो ये आपके आईब्रोज ड्रॉ करने के बाद ये आपके आईब्रो को बिल्कुल सेट कर देगा फॉर द होल डे. अगेन जिन लोगों को मस्कारा पसंद नहीं है तो आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हैं यू नो क्लियर मस्कारा. तो किसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या यूज़ किया है, पर आपके आईलैशेस ऐसे फ्लटरिंग दिखेंगे. सो या एंड देन द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस. सो दिस इज द नायका जेल शाइन सलून प्रो नेल पेंट है ये. तो मुझे नायका के जेल नेल पेंट्स मुझे ट्राई आउट करने थे. तो इसलिए लुक एट द शेड, ओ माय गॉड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड, लाइक अ डीप पिंक शेड. मुझे ऐसे वाले पिंक शेड काफ़ी अच्छा लगता है. एंड अगेन दिस इज अ जेल काइंड ऑफ, इट सेज लाइक ऐसे वाले मैंने सुना है इसके बारे में कि ये आपकी जो जेल एक्सटेंशन होता है ना वैसे वाले आपको इसका इफेक्ट मिलता है. लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस आउट. मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ सच में ऐसा वाला है कि नहीं. एंड द शेड इज 211 क्रोटियन इज क्या है पता नहीं. एनीवेज 325 रुपीज इसका प्राइस है. एंड यू आर गेटिंग 15 ml प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है आपको यार. यू कैन ट्राई दिस आउट. देन व्हाट आई गॉट इज दिस ब्रीदेबल नेल पेंट, मतलब नेल ब्रश है ये नायका के. सो इट्स अगेन इन द शेड रोजी फ्यूचर 322 रुपीज. इस काइंड ऑफ पीची न्यूड काइंड ऑफ शेड है. सो अगेन सच अ नाइस वन. ये ब्रीदेबल वाला रेंज है इसका, काफ़ी अच्छा शेड है. So yeah, wow, it's very good, very nice, very you know daily wearable kind of shade. आप कभी भी ऑफिस गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आपको ऐसे वाले यू नो थोड़ा सा सटल वाला शेड ज़्यादा पसंद आएगा. सो या डब्बा खाली हो गया मेरा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. मुझे ये सारे मैंने परचेस किया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने परचेस कर लिया. आई नो
बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो जो चाहिए था मैंने वही लिया है, बस मैंने एक्स्ट्रा कुछ, मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे दिखाना है, दिखाने के लिए मैंने कुछ परचेज किया है. सो या दैट इज ऑल. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स में आपको कौन से प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना मंजूर है, पसंद है, आप मुझे वो भी बताना, तो मैं वो रिव्यू वीडियो भी दिखाऊंगी, मतलब रिव्यू करके बोलूंगी आपको कैसा प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट आप रिव्यू चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बता देना प्लीज गाइस. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो या दैट्स ऑल. मुझे लग रहा है कि आपको भी पसंद आ गई वीडियो, आप भी इंजॉय करोगे इस वीडियो को. सो या मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा वीडियो बनाने में, एंड हॉल वीडियो इज माई फेवरेट वीडियो गाइस. सो या दैट्स ऑल. बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो गाइस. Bye.